आप पर सदा बनी रहे। आ गया पूर्णिमा की रात्रि, बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाते हैं। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं और रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ, और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए, फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित हो। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो, या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, काजल कालोच को इकट्ठी कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए, उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाए। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना, उसके सम्मुख में आप 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना, जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी, पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31। घी के दिए लगाना है, लक्ष्मी जी का पूजन करो कंकु चावल हल्दी मोली से सब तरह से। पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, अगर पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए। जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस बिंदु चित्त वृत्ति को। शास्त्र कहता है, श्री महापुराण की कथा कहती है, जो बच्चा माइंड से विकलांग हो, जो बच्चा अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं कर पा रहा, जो बच्चा एक परीक्षा में बार बार बैठ रहा है, फेल हो रहा है, पास नहीं हो रहा, अगर 3 महीने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए और वो दूध पिलाते समय जो फेन निकलता है उस फेन को चम्मच में लेकर उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चे की बुद्धि का विकास प्रबल हो जाता है, बुद्धि का विकास। अगर कोई एग्जाम में बच्चा बैठ रहा है और पास नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास नहीं हो रहा, उसको वो फेन दिलाकर एग्जाम के लिए भेज दीजिए, उसका बड़ा महत्व है। गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़ा दूध पीते समय जो फेन निकले, उस फेन का बड़ा उसकी बड़ी महत्वता का वर्णन किया। ये वही फेन है, अगर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में बीमार रहता है तो उस बीमार व्यक्ति के स्नान की बाल्टी में भी वो फेन डाला जाता है, उससे स्नान कराया जाता है तो रोग मुक्त हो जाता है।
पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर एक कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना करकर चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाई है, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर। जैसे शिव मंदिर में जाकर नंदी के कानों में कहकर नंदी के सींग के बीच में से शिवजी का दर्शन करते हैं, उसी तरह जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के क्षेत्र में से रात्रि के समय पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूर्णिमा बट पूर्णिमा बहुत ही पावन पर्व है। जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। अगर आप इस दिन कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जो गुरुजी द्वारा बताए गए कथाओं में सुने हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो भी तकलीफ है, पीड़ा है, वो नहीं दूर हो रही है, सब जगह दिखा लिया, सब चीज़ कर लिया लेकिन परेशान हो गए, ठीक नहीं हो रही, महादेव के मंदिर प्रतिदिन जाते हैं लेकिन बाबा भी नहीं सुन रहे, तो पूर्णिमा के दिन एक बहुत ही सरल तरीके से एक उपाय बताएंगे जो कि गुरुजी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर अगर एक चावल का दाना, सिर्फ एक आखा दाना चावल का चढ़ा देते हैं चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर, तो आपकी जितनी भी तकलीफ होती है सारी कष्ट खत्म हो जाते हैं। और जैसे पूर्णिमा का जो चांद होता है, जितना प्रकाश होता है उतना ही प्रकाश आपके जीवन में आ जाता है महादेव की कृपा से। तो प्रदोष काल में आप एक चावल का दाना, खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत, एक महादेव को जरूर से चढ़ाएं चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर, साथ में एक लोटा जल चढ़ाइए, अगर हो सके तो सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं, और शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में खीर जरूर बनाएं। खीर बनाने से पूर्णिमा के दिन जो भी खीर बनाते हैं उनके घर में कभी भी लक्ष्मी और धन वैभव की कमी नहीं होती है। तो एक आप नियम बना लीजिएगा कि कोई भी महीने की पूर्णिमा हो उस दिन आप कुछ मीठा, मीठे में खीर, चावल के खीर, साबूदाना के खीर इत्यादि ज़रूर बनाएं। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य।